हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी सभी बहुत अच्छे हैं। तो आज है संडे और संडे का जो मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग, मैं लग गई हूँ अपने काम में, झाड़ू पोछा के काम में। हमारी कोई छुट्टी के दिन नहीं होती है, हॉलीडे का कोई नामो निशान नहीं होता हमारा। और मुझे ऐसा लगता है कि संडे का दिन मेरा बहुत ज़्यादा काम होता है, अदर डे थोड़ा कम भी होता है और संडे का दिन बहुत ज़्यादा काम होता है। तो उसी काम में लग गई हूँ, जल्दी उठी हूँ सुबह में। अभी मैं यहाँ पे झाड़ू दे रही हूँ और बेबी और हबी दोनों ही सो रहे हैं। वो लोग देखिए यहाँ पे बिस्तर में, शायद दिखाई भी देते होंगे। गर्मी काफ़ी हो गई है तो टेबल फैन भी लगाया हमने। और मैं यहाँ पे झाड़ू दे रही हूँ, पलंग के नीचे भी काफ़ी गंदे होते हैं तो वहाँ भी साफ़ कर लेना पड़ता है। मेरा झाड़ू कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पोछा भी लगा लूँगी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ वॉशरूम में और यहाँ पे बकेट में मैंने पानी लिया है और मैं थोड़ा सा इसमें डेटॉल डाल दूँगी। डेटॉल डाल के मैं पूरे घर को आज साफ़ कर लूँगी। तो झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना, बस यही सारे काम है जो डेली के होते हैं। बट संडे को कुछ अलग स्पेशल हो जाती है, थोड़ी क्लीनिंग ज़्यादा होती है, कुकिंग ज़्यादा होते हैं क्योंकि घर पे रहते हैं तो बहुत सारा रेसिपी बनता है। और स्पेशल कोई डे हो तो और ज़्यादा काम होने लगता है। तो बस वही, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सुबह उठी हूँ और झाड़ू पोछा मैं कर लेने के बाद जल्दी जल्दी से स्नान कर लूँगी। और मैं यहाँ पे रूम में ही पोछा भी लगा रही हूँ और झाड़ू पोछा करके मैं स्नान करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन बटन जो है वो भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोज़ के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचते रहे और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले वॉच करें। और प्लीज़ फुल वॉच करें, लाइक भी बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर करें। तो आ गई हूँ नित्य दिन के काम में। सेल्फ केयर भी बहुत ज़रूरी होती है तो मैंने मैनिक्योर दिखाया था आप लोगों को शॉर्ट टाइम पे और जल्दी से। तो बहुत लोगों ने मैसेज भी किया था कि काम के बाद टाइम मिलता ही नहीं है तो कैसे करेंगे। लेकिन मैं बताती हूँ कि जैसे हम लोग घर की क्लीनिंग करते हैं और 5 मिनट का भी जो क्लीनिंग है डेली करते हैं, डेफिनेटली अपने डेली के लाइफ में 5 मिनट जैसे क्लीनिंग का एक रूल बना लीजिए। ये सब काम तो डेली के हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये इसको अलग से क्लीनिंग पे कभी मैं ऐड नहीं करती हूँ। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, हाफ एन आवर जो क्लीनिंग जो मैं ऐड करती हूँ वो मेरी होती है एक्स्ट्रा काम, लाइक अलमीरा साफ़ करना, बेड साफ़ करना, फ्रिज साफ़ करना, किचन की स्पेशल क्लीनिंग करना। वो तो जैसे हम 5 मिनट्स भी क्लीनिंग के लिए लेते हैं। यहाँ मैंने स्नान कर लिया था और मैं एलोवेरा के पौधे में पानी दे रही हूँ जो कि इन्हें भी बहुत ज़रूरी होता है देना, काफ़ी गर्मी है। ये पूरे रेड हो गए थे लेकिन अब धीरे 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 मैं डेली पानी दे रही हूँ तो ये ग्रीन हो गए हैं और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं देखने में। बाहर का वेदर भी आज बहुत अच्छा है और संडे भी है, छुट्टी भी है, तो समझ ही रहे हैं कुल मिलाकर आज दिन बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा जाने वाला है हमारा। और मैं यहाँ पर फिर पूजा करने के लिए आ गई हूँ और जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर पूजा भी कर लूँगी। स्नान करने के बाद पूजा पाठ भी बहुत ज़रूरी होता है, इससे मन को शांति मिलती है। यहाँ मैं अपने हबी से बात कर रही थी कुछ, तो यहाँ मैं जल्दी से पूजा कंप्लीट कर लूँगी। तो जो मैं 5 मिनट क्लीनिंग की बात बता रही थी, सेल्फ केयर का जो मैंने दिखाया था उसमें बहुत सारे ऐसे हाउस वाइफ हैं जिन्होंने मुझे मैसेज कमेंट किया है, तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ध्यान से देखा और बोला कि मिलता ही नहीं है तो कैसे निकालूँ। मैं बोल रही हूँ जिस तरह से 5 मिनट डेली हम लोग अपने घर के लिए मैं निकालती हूँ डेली, ऐसा एक भी दिन नहीं होता जो मैं कुछ ऐसा सामान क्लीन ना करूँ घर का, बहुत ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट ज़रूर कर लेती हूँ। तो उसी तरह का 5 मिनट अपने को भी देना बहुत ज़रूरी होता है। 5 मिनट आप अपने उस दिन या तो आप नेल को सिर्फ कट कर लीजिए या फिर आप अपने हाथ को सिर्फ गर्म पानी में, कुछ ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो 5 मिनट के लिए गर्म पानी में भी हाथ को डुबो कर रख लीजिए या पाँव को डुबो कर रख लीजिए, थोड़ा शैम्पू डाल दीजिए उसमें। 5 मिनट सिर्फ खड़े रहना है, कुछ नहीं कर सकते तो ना करें पर खड़े हो जाएं, इससे भी बहुत सारा जो शरीर का जो गंदा है, फिर पाँव में जो पेन होते हैं, टॉक्स होते हैं, वो सारे बाहर आ जाएंगे।
कुछ जो डेड सेल अगर जमे होते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, निकलने लगते हैं। बहुत कुछ फ़ायदा है इसका, करके देखें। अगर गंदगी बैठी रहती है तो वो निकल जाते हैं, जो ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं पाँव में हाथ में वो सारे क्लीन हो जाते हैं। सिर्फ 5 मिनट, आपको रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं। अगर इतना भी टाइम नहीं तो आप इतना ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में। किचन में कुकिंग करने से पहले एक बार मैं फिर से क्लीन कर लेती हूँ, मेरी आदत है ये। नाइट में तो मैं पूरा अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में मैं जब तक क्लीन नहीं करूँगी मैं कुकिंग नहीं करती। बर्तन भी मैं सब धोकर सोती हूँ, लेकिन मैं कुकिंग करने के पहले फिर से बर्तन को सिर्फ पानी से वॉश करती जाती हूँ और कुकिंग करती जाती हूँ। रखे हुए बर्तन में मैं कुकिंग नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैं अब बनाऊँगी ब्रेकफास्ट, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। और संडे है तो रोटी बनता नहीं है संडे को, या तो पराठा या तो पूरी बनता है। तो अभी रामनवमी स्टार्ट हो गई है तो इसलिए पूरी अभी हमारे नहीं बनेगी, घर में पूजा होती है ना, तो इसलिए हम लोग पूरी नहीं बनाएंगे, पराठा ही बनेगी हमारी। तो मैं यहाँ पे पराठा बना रही हूँ, और आज मैंने मिक्स दाल का तड़का बनाया है। तो मेरी जो ब्रेकफास्ट है वो भी बन के तैयार है। यहाँ पे मैंने मिक्स दाल का तड़का बनाया है, पराठा बनाया है, और साइड में मैंने सिर्फ कर्ड रखा है, सिर्फ दही रखा है। आज मैंने रायता वगैरह कुछ नहीं बनाया, क्योंकि आज बहुत सारा प्रोग्राम है हम लोगों का, मतलब बहुत कुछ काम भी है और फंक्शन भी है बोला जाए तो। तो यहाँ पे मैं फिर मसीहा के लिए भी रोटी और दूध रेडी करती हूँ। अब मैं मसीहा को उठाऊँगी, क्योंकि हमारा तो ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, मैंने हबी को दे दिया था, वो खा रहे थे। तब तक मैं यहाँ पे मसीहा की भी ब्रेकफास्ट रेडी कर दे रही हूँ। अब मैं उसको उठा लूँगी, और उसको उठा करके मैं उसको ले करके बैठ कर उसको फीडिंग करवाती हूँ, और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ उस टाइम, वरना अलग से वो ब्रेकफास्ट मुझे करने नहीं देता। और उठ के उसको फीडिंग करना बहुत नीडेड होता है। तो अभी मैं उसको उठा रही हूँ, वो उठ जा रहा है और फिर वापस सो जा रहा है। उसकी नींद अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, उठने नहीं मांग रहा था, बहुत ज़िद कर रहा था। और ज़्यादा अभी सो लेता है ना तो दोपहर नहीं सोता, और जब दोपहर नहीं सोता तो शाम सोता है, और शाम सो लेता है तो फिर रात नहीं सोता। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ अब कुकिंग के लिए फिर से। ब्रेकफास्ट के बाद की जो कुकिंग है वो स्टार्ट करती हूँ मैं। आ गई हूँ मैं कुकिंग करने के लिए यहाँ पर। ब्रेकफास्ट के बाद लंच की जो तैयारी है वो स्टार्ट हो गई है मेरी। मसीहा को भी मैंने खाना वाना खिला के सब कंप्लीट कर दिया है, वो अब अपने पापा के साथ थोड़ा सा खेल रहा है। तो अब तक मैं यहाँ पे आ गई अपना लंच तैयार करने के लिए, और लंच तैयार जल्दी जल्दी कर लूँगी। तो आज है मेरे हबी का बर्थडे, 3 अप्रैल उनका बर्थडे है आज। तो मैंने मॉर्निंग का रूटीन शेयर किया, और अभी जो मैं कुकिंग कर रही हूँ वो बर्थडे की कुकिंग चल रही है मेरी। आज अभी मेरी 3 वीडियो बर्थडे की चलेगी आप लोगों के साथ में। तो कुकिंग भी कंप्लीट है यहाँ पे, वो खा रहे दिखा रहे हैं। तो बस इतना ही आज के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। और वो देखिए कुकिंग